कोशिश की है कि हमारे आदर्श हमें क्या सीख देते हैं और हमारे आदर्श जैसे प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी जी ब्रह्मा जी उनके बाद हमारे आदर्श योगी है जैसे कि कहा जाता है जोगिंदर नगर के हमारे आदर्श सावित्री देवी जी जिन्हें ज्ञानी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व का मिला वो है 1948 से आज उन्हें 63 वर्ष हो चुके हैं। 63 वर्ष में हमने क्या किया, क्या करना है, क्या करना चाहिए था, ये उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में दीदी सावित्री जी। दीदी जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। जैसे कि कहा गया अभी मैंने आपका परिचय दिया कि आपको 63 वर्ष हो गए हैं और जैसे आप एक बात ये जानने को आती है कि आप चल भी नहीं पाते हैं, टांगों में आपको बहुत प्रॉब्लम भी है, तो जिस हिसाब से आपका ये स्वास्थ्य आज दिन तक ऐसा रहा, हमें आपसे ये सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी आए तो हमें चलना चाहिए, लेकिन आपको देख के हमें ये लगता है कि जैसे चले, पर आपने आज दिन का ये सफर जैसे राजयोग मेडिटेशन, राजयोग योग और ये ज्ञान कैसे अपनाया, किस तरह से अपनाया, आपको क्या सीख मिली इस चीज से जो हमें भी आने वाले समय में हम इसको लेकर चलें। ओम शांति। प्यारे बहन भाइयों, मेरा जीवन उस परम पिता परमात्मा ने अपने गोद में लिया मुझे, और मैंने जैसे ही इस ज्ञान को सुना, इस ज्ञान के बिंदुओं को सुना जो हमारे निजी गुण है, आत्मा के उन गुणों को मैंने अंदर में मजबूत किया, उस गुणों को लेते लेते चलती गई बाबा ने फिर मेरे को कहा, बच्ची बाबा के सन्मुख आओ। मैं बाबा के सन्मुख गई, बाबा ने मेरे को दृष्टि दी और बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो रूह को देखता हूँ, शरीर को नहीं देखता हूँ। तो बाबा के जो मेरे प्रति इतना रूहानी स्नेह प्रकट मेरा हुआ, बाबा ने ये शब्द बोला जब, तो बहुत रोई मैं कि बाबा ने मुझे पहचाना। और बाबा ने कहा, बच्ची अब तो बाबा आपको मिलता ही रहेगा। बाबा मिल गया और अब बच्ची रोना नहीं है। तो मेरा उसी टाइम रोना भी बंद हो गया, नहीं तो मैं रोती रहती थी। जैसे ये बताया अभी आपको बहन जी ने कि पैर में भी मेरा जो है वो बचपन से ही जो है जन्म से ही मेरे को ये क्या बोलते हैं उसको, पोलिया, बचपन से ही पैर में पोलिया हो गया। इसके कारण से फिर मैं सोचती थी वे कैसे चलूंगी, कैसे रहूंगी, पता नहीं कहाँ जाना है मैंने, कहाँ नहीं जाना है। इस बात से हमारे माता पिता भी और मैं भी सोचती रहती थी। लेकिन जैसे ही हमारे घर में हमारे बड़े भ्राता जी, हमारे दादा दिलीप भाई जी जो बड़े हैं, उनको ज्ञान मिला, तो उन्होंने चित्र जो है झाड़ और गोला लाए और हमारे मेरे को दिखाया, और मेरे को 15 दिन मम्मा बाबा पहले ही सपने में आए, झूले में झूलते हुए दिखाई दिए। तो मैं उस समय जान नहीं सकी कि ये कौन है।
फिर जब उन्होंने ये चित्र खोले तो मुझे उस समय पर झट याद आई बात कि मैंने ये चित्र के अंदर जो देख रही हूँ ये देखा है, दोनों देखे हैं मैंने। तो जो दादाजी थे हमारे वो हंसने लगे, वो कहाँ देखे आपने? मैंने कहा मैंने देखे हैं, ये नहीं मालूम पड़ रहा। तो ऐसे उनको बहुत खुशी हुई मेरी इस बात से। फिर वो सत्संग में चले गए सुनाने लोग, लेकिन वहाँ पर लोग बहस करते थे, ज्ञान कोई नहीं सुनता था। और फिर भी दादाजी के अंदर इतनी सहन शक्ति, इतनी सहन मधुरता, सभी लोगों को इतना ज्ञान सुनाना, फिर भी उन्होंने इतना उनको माना कि बहुत बहस करना, फिर भी सुनाते रहना। मैंने दादा को बोला दादा आप ज्ञान नहीं सुनाया करना लोगों को, और फिर भी दादा सुनाते रहे। मैंने कहा अच्छा जैसे दादा के अंदर सहन शक्ति है ऐसे मैंने भी यही ज्ञान लेना है और इसी ज्ञान में चलना। वहां पर ही मैंने दादा के जीवन में जो बातें देखी वहां से सहन शक्ति के बारे में, तो मैं इस ज्ञान में फिर अंदर से संकल्प लिया कि मैं चलना फिर इसी रास्ते पर। फिर मैं आई घर में थी तब लौकिक घर में, फिर बाद में मैं फिर दादा अमृतसर के वहां नौकरी में थे तो वहां पर दादा आए, मैं भी साथ में आ गई। मैंने कहा मैंने भी जाना है, तो दादा फिर मेरे को भी वहां ले आए अमृतसर। तो अमृतसर मैंने पूरा कोर्स किया, उसके बाद फिर सारा कोर्स जब किया तो 3 दिन का ही कोर्स किया था अभी, पर उसमें मेरे को बहुत बहुत अनुभव हुआ। मैं एकदम से बाबा की याद में रह करके जो मेरे 7 गुण थे उन्हीं गुणों में मैं रमन करती थी। उसके बाद रमन करते करते मैं ऐसा खो गई, एकदम ध्यान में चली गई, इस शरीर का कोई मुझे भान नहीं, कुछ पता नहीं। फिर ऐसे ऊपर गई तो सूक्ष्म शरीर में, फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और आत्मा जो है एकदम से न्यारी होकर सितारा वो दिखाई दे रही। तो सूक्ष्म शरीर मेरे को ये बोल रहा है कि ये जो नीचे शरीर है वो नहीं है, तो जो ऊपर सितारा है वो है। तो ऐसे करके मेरे को इशारा दिया, तो उस समय पूरी जैसे सूक्ष्म शरीर में मैं रही। फिर आई नीचे तो मेरे को एकदम से ऐसे महसूस हुआ कि मैं कहीं आकाश से दूर से इस धरती पर आई हूँ। हल्कापन, खुशी से मेरा जो है चेहरा ही खिल गया। मेरी टीचर मुझे कहती क्या देखा, मैंने अपने टीचर को कुछ नहीं सुनाया। फिर टीचर बोली सुना क्या, मैंने फिर भक्ति वाली बात समझाई कि भाई भक्ति में बोलते एक बार अनुभव हो गया दोबारा नहीं होगा, तो इसलिए मैं दुविधा में रही। उन्होंने मेरे को कहा नहीं, ज्ञान में चलने से बहुत अनुभव होता है और इसलिए आप सुना भाई। तो ये जो मैंने साक्षात्कार किया वह अनुभव फिर मैंने उनको भी सुनाया, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे अनुभव सुनाते रहना भाई। फिर मेरा ऐसे ही जो है बाबा ने ध्यान दीदार का पाठ खोल दिया। फिर वीरवार में बाबा के पास दीदी चंद्रमणि थी, पहले जानकी दादी रहे, आदरणीय जानकी दादी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, खाना बनाना सिखाया, सिंधी खाना बनाना सिखाया, टोलियां बनानी सिखाई, सारा ज्ञान भी सिखाया। दादी ने कहा कि आपको ज्ञान कैसे लगा, मैंने कहा चुप रही कुछ नहीं बोला मैंने, लेकिन दादी ने मेरे को 4 बातें इतनी मजबूत कराई। दादी ने कहा कि हर बात में जैसे शिव बाबा कल्याणकारी है, हर एक बात में कल्याण समझना है, चाहे कैसी भी कोई भी बात हो इससे आप जो है सेफ रहेंगे। और दूसरी बात सिखाई दादी ने मेरे को कि मरजीवा जन्म है हमारा, तो इसलिए यहाँ हम जीते जी मरने आए हैं, ये बात सिखाई। तीसरी बात सिखाई दादी ने मेरे को कि जो हम कमाई करने के लिए यहाँ आए हैं,
गवाना नहीं है कुछ भी। और उसके बाद चौथी बात सिखाई दादी ने मेरे को कि जो करेगा सो पाएगा। इस ढंग से इन चारों बातों को लेके मैं बहुत बहुत जो है मन में पक्का कर दिया और इनके साथ में चलती रही। ये चार सितंभ मेरे जीवन के अंदर मुझे जीवन भर के लिए एक सितंभ मिल गए, जिसके कारण से अब आप कहते हैं ना खुशी जो रोना था वो ना एकदम बंद हो गया। आत्मा जब ज्ञान मिला आत्मा का, मैंने कहा मेरे को ना मुख है ना कान है ना हाथ है ना पैर है, तो मैं रोऊंगी कैसे, अशांत कैसे होंगी। तो इस ढंग से मेरा जो है ये रोना भी बंद हो गया। और कई बातों में बहुत गुस्सा आता था मेरे को, बेशुमार गुस्सा जरा जरा बातों पर, वो भी मेरा अभी बहुत बहुत जो है वो कम हो गया। जो आप बोल रहे हैं ना 63 बरस से मैंने क्या कमाया, ये चीजें मेरे को बहुत फर्क में अब आई, समझ आई। नहीं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा असली गुण क्या है, असली जो है हमारा स्वरूप क्या है, हम किस देश के हैं, किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, किस वंशावली है हम, तो शिव के वंशावली हम। उसी नशे में खुशी में मैं झूमती रहती हूँ, बाबा को बोलती वाह बाबा तेरा शुक्रिया, तूने मेरे को कितना जो है अपना बना के सुख दिया, शांति दिया, खुशी दी, शक्ति दी, प्रेम दिया, मैं तेरा क्या क्या मैं गुणगान करूं, तेरा सारा परिचय मुझे मिला। और मैंने वही परिचय को लोगों को भी यही बोलती थी, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा हमारा सबका बाप है, आत्मा का बाप है, हम आत्मा है, शालिग्राम है, हम सोल है, परमात्मा हमारा पिता है, सागर है ज्ञान का, आनंद का, सारा ज्ञान सुना देती थी उन लोगों को। तो इस तरह से मैं सारे पहले अमृतसर में पहले रही वहां 2.5-3 साल, फिर दीदी बड़ी जानकी दादी के बाद फिर दीदी चंद्रमणि आई, तो दादी चंद्रमणि से मैंने ये सीखा कि दादी शेरनी शक्ति पूरा देखो पंजाब हरियाणा हिमाचल और दादी जो है जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ से चक्कर लगा के पूरा जो है यूपी में भी दादी जाती थी और साथ में कितनी दूर बेंगलोर है और भी जगह इस ढंग से चक्कर लगाते हुए भी दीदी खुश रहती थी, हर्षित रहती थी। तो मैंने भी दीदी से ये बातें सीखी और निडरपना सीखा। मैं तो बाहर आश्रम से बाहर जाना नहीं चाहती थी, दीदी को मैं बोलती थी दीदी मैंने आश्रम ये गेट से बाहर नहीं जाने देना मेरे को, दीदी हंसते थे सिर्फ मुस्कुराते थे। और दीदी ने कहा 4 दिन के लिए 1 हफ्ता के लिए जो है आप बटाला जाओ, तो फिर वहां 4 साल रही हूँ, 1 हफ्ता मेरा पूरा नहीं हुआ। इस ढंग से मैं धीरे धीरे निडरपना दीदी ने मेरे को सिखाया। गुरदासपुर भी गई, फिरोजपुर भी गई, फिर अंबाला भी, लुधियाना भी, ऐसे सारे जगह बाबा की सेवा में रही। जहां जहां भी गई सब बहन भाई मेरे को इतना स्नेह देते थे, इतना रिगार्ड देते थे, प्यार देते थे। मैं समझ नहीं पाती थी कि ये बहन भाई मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं। बस तो प्रेम क्या था रूहानी, सबको मैं आत्मा सितारा देखती थी, जब भी उनके नैनों में देखना तो देह नहीं दिखाई देनी, आत्मा सितारा दिखाई देनी। तो इस ढंग से जो है मेरा पुरुषार्थ बाबा ने कराया, बाबा का ही धन्यवाद है, बाबा का ही अंदर से जो है मेरे ऊपर नजर है, जो है एक दिव्य दृष्टि के आधार से बाबा ने मेरे पर खूब जो है, हम भोले बच्चे हैं, भोलों का भगवान है, जो भगवान पिता प्रेम का सागर है वही हमारे को हमसे क्या चाहता है, शुद्ध पवित्रता चाहता है। तो हमारे संकल्प सब के प्रति ये सब हमारे आत्मा भाई भाई हैं। इस नजर से मैं जब देखती थी तो वो तो मेरे को एकदम से माता है, तो मेरे को एकदम से ऐसे गोद में ले लेती थी। मैं बोलती थी क्या हो गया,
क्या हुआ है उनको, तो उनको ये मुझे ये मालूम नहीं पड़ता था। मैं आत्मा रूप से इनको देखती हूँ, उनको ये कशिश होती थी उनको आत्मा रूप के देखने से। तो ये ज्ञान अभी मिला हमको, बाबा ने कितना हमको ऊंचा उठाया, कितना महान बना दिया। तो मैं तो बाबा का क्या आपके सामने शब्द भी नहीं है, मैं सुना नहीं सकती हूँ उस बाबा की जो है मेरे ऊपर क्या कृपा दृष्टि रही। हर प्रकार से उसने मुझे अपना बना के सुखी बना दिया। अब भले कितने भी पेपर आए, लेकिन हम बोले बाबा कल्याणकारी, बस इसी से हम सारे पेपरों को जो है पीछे कर देते थे और आगे बाबा। हमारे लिए लक्ष्य कितना ऊंचा दिया विष्णु, हरदम विष्णु का नाम अंदर में ध्यान रखती थी। चार अलंकार उनके दिए हैं, उन चारों अलंकारों को भी मैं जो है ध्यान में रखती थी। तो ऐसे करके हमने अपना समय बड़ा सुंदर ढंग से व्यतीत किया। कोई भले दुख दर्द भी आया हो शरीर में, तब भी बाबा आगे पीछे होता था। मैं बीमार हो गई थी तो बाबा ने मेरे को ऐसे बोला, बच्ची ये जो है चारपाई नहीं है, ये है तेरे लिए झूला। तो झूले में ऐसे झुलाया जैसे झूले में झूलते हैं। तो इधर भी बाबा और इधर भी बाबा, इधर भी बाबा, चारों तरफ बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। मेरे बीमारी का मुझे पता ही नहीं लगा, सभी हैरान परेशान हो जाते थे कि इतने जल्दी ये ठीक कैसे हो गई। तो ये होता है कि शिव बाबा की याद बनी रहे तो कभी भी जो है हमें दुख नहीं महसूस होगा, हल्कापन महसूस हुआ फिर। तो ऐसे मेरा जीवन बड़ा सुखद रूप से निकल गया। हमारे को देखते रहते हैं बेचारे बहन भाई भी, उनको भी हम बोलते हैं आप भी ऐसे ज्ञान लो, ध्यान लगाओ, भगवान पिता से शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, आपके अंदर भी शुद्धि आएगी। आप अपने भगवान पिता को सही तरीके से याद करो, तो जैसा है जिस रूप में है जिस गुण कर्मों वाला है उसी ढंग से जानो पहचानो, तो आपका भी जो है उधार सुधार होगा। तो ये हम सभी के लिए सोचते हैं। और साथ में योग कैसे लगाना है, वो आठ शक्तियां जो बाबा ने हमारे को बताई है, पहले सिखाया है भाई जो है सामना करने की, जो है सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति भी सिखाई, और निर्णय करने की शक्ति, फिर जो है परख शक्ति, फिर बाबा ने जो है ये दिखाया समाने की भी शक्ति। हर प्रकार की जो है आठ शक्तियों को ये बीच में याद भी रखती हूँ, साथ में उस पर विचार भी बनाती हूँ, उस पर परसेंटेज में भी चलती हूँ। ऐसा नहीं है परसेंटेज पहले बहुत जो है ज्यादा, अभी कम कम होते हुए बिल्कुल अब याद रहती है, बहुत याद रहती है। बाबा मेरे से कोई ऐसी वैसी गलती ना हो जो मैं इन आठों गुणों को धारण ना कर सकूं। तो ये गुणों को भी धारण करती हूँ, ध्यान रखती हूँ। अभी अब बाबा के पास जाना है, वापस जाना है, घर जाना है, अभी अंदर में धुन लगी रहती है जितना हो सके बाबा मैं और आप। बाबा भी बोलते हैं बच्चे एक मैं और एक तू, बस मेरा बाबा सहज सहज बिंदी आत्मा, ये ज्ञान मेरे पास अब आ गया है। अब हम अभी इस दुनिया और देह की दुनिया से न्यारे न्यारे हो रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है कुछ भी। हमें भार नहीं लगा इस ज्ञान में आके, लोग कहते हैं यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं समझा। जैसे बोलते हैं पंजाब में क्या बोलते हैं कि रब दा क्या पाना, इधरों पुटना इधरों लाना, माना कि इधर से खेत में जब धान होता है तो उस धान में से जो है हम एक जहां बीजते हैं उसको उखाड़ देते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से पानी में जो है धो धा के पिछली मिट्टी, फिर नए जो है वो लगाते हैं। तो वो ऐसे ही हमको भी भगवान पिता ने वह घर माँ बार जो भी था वो कुछ भी याद नहीं। और जो रूहानी घर है हमारा वो शिव बाबा का परम धाम भी है, माउंट आबू भी है, स्वर्ग भी है, ये सारे हमारे घर हैं, ये याद रहते हैं। तो फिर क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं। इसलिए अच्छा घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, बहन भाई मिल गए, और क्या चाहिए हमें। तो ये खुशी होती है, इस खुशी से हम अपने
चलते हैं, दादी दीदियों की पालना ली, मम्मा बाबा की पालना ली। मैं अपने को बहुत 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 भाग्यशाली समझती हूँ। मेरे को यही अंदर खुशी होती है कि इन बहन भाइयों ने तो बाबा देखा भी नहीं, मम्मा भी नहीं देखे, मैं तो कितने समय की देख रही हूँ बाबा मम्मा को। तो फिर जब ये सब बहन भाइयों को देखती हूँ तो मुझे इन सभी के लिए आता है, बाबा इन सब को भी अपना सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार करा दे। तो ऐसे ऐसे जो है दिन में ख्याल दिल में आते रहते हैं। और मैं आप लोगों से भी यही सबसे विनती करती हूँ, इस ज्ञान को अच्छी तरह से जो भी है आप समझो, सीखो, सुनो और अपने जीवन को महान, श्रेष्ठ, ऊंचा बनाओ। समय बहुत कम है, अब सामने हमारे नजारे आ रहे हैं स्वर्ग के, और ये नरक जो है ये खत्म होने वाला है। ये हमारा आप लोगों से ये जिसको बोलते हैं विनती है। और अब अच्छी तरफ चलो, अच्छे गुण सीखो, दैवी गुण, जिससे हम ऊंच बन जाए। यही आप सबके प्रति मेरा शुभ संदेश है। ओम शांति, ओम शांति।